फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीजी वेंचर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ डेटा माइनिंग, कि डेटा माइनिंग का एट्रीब्यूट कौन कौन सा होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है डेटा माइनिंग का, वह होता है नॉमिनल एट्रीब्यूट। नॉमिनल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वह डिफरेंशिएट करता है बिटवीन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एट्रीब्यूट। यह रिलेटेड टू होता है, नेम से रिलेटेड हो गया, द वैल्यूज आर सिंबॉल और नेम ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे रोल नंबर हुआ, जेंडर हुआ, यह क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो पहला एट्रीब्यूट जो होता है डेटा माइनिंग का, वह होता है नॉमिनल एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट जो होता है वह प्रोवाइड करता है सफिशियंट इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑर्डर होता है ऑब्जेक्ट का, उसी प्रकार क्या करता है, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। जैसे उसमें हम लोग रोल नंबर पता कर लिए, जेंडर पता कर लिए, क्या चीज में, नॉमिनल एट्रीब्यूट्स में, क्योंकि वो डिफरेंशिएट करता था एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट से। और ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स में क्या करता है, वह प्रोवाइड करता है सफिशियंट इन्फॉर्मेशन जो ऑर्डर होता है ऑब्जेक्ट का उसमें। जैसे रोल नंबर हुआ तो उसका रैंक कार्ड क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसका हाइट क्या है, एग्जाम्पल्स हुआ ऑर्डिनल एट्रीब्यूट का। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है बाइनरी एट्रीब्यूट। बाइनरी एट्रीब्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय जीरो और वन। बाइनरी एट्रीब्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन से। जीरो का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ फीचर्स और वन का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो तीन एट्रीब्यूट देखे, पहला था नॉमिनल एट्रीब्यूट, दूसरा था ऑर्डिनल एट्रीब्यूट और तीसरा होता है बाइनरी एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट क्या होता है, इट इज यूज फॉर मेजर द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से और रियल वैल्यू से। जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट जो होता है वह मेजर करता है क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से और रियल वैल्यू से। ठीक है, दो प्रकार का होता है न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट में दो टाइप्स है, एक होता है इंटरवल स्केल न्यूमेरिक एट्रीब्यूट और दूसरा होता है रेशियो स्केल। इंटरवल स्केल जो होता है वह मेजर करता है इक्वल साइज यूनिट को, हैव ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें क्या होता है, ऑर्डर जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी होता है, और लिनियर स्केल होता है इंटरवल स्केल एट्रीब्यूट। ठीक है, और रेशियो स्केल एट्रीब्यूट जो होता है वह कंटिन्यूअस पॉजिटिव मेजरमेंट करता है ऑन ए नॉन लिनियर स्केल। इसका होता है रेशियो स्केल जो होता है वह नॉन लिनियर स्केल होता है और कंटिन्यूअस पॉजिटिव मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। एक होता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, मेजर करता है इक्वल साइज यूनिट को, और यह ऑर्डर जो होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और लिनियर स्केल होता है। तो डेटा माइनिंग का जो एट्रीब्यूट्स होता है वह चार होता है। पहला होता है नॉमिनल एट्रीब्यूट्स, दूसरा था ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स, तीसरा बाइनरी एट्रीब्यूट्स एंड फोर्थ वन इज न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स। और न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स में दो था, एक होता है इंटरवल स्केल एट्रीब्यूट्स, एक रेशियो स्केल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।